पुरानी पेंशन पर बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने पर मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक में बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। इनके साथ ही वरिष्ठता का लाभ देने पर भी सरकार कदम उठाएगी। वहीं पुलिस पे बैंड में भी संशोधन होने के आसार इस मीटिंग में बन रहे हैं। और क्या क्या होगा मंत्रिमंडल की बैठक में और किन किन कर्मचारी वर्गों को राहत देगी सरकार, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। ओपीएस पर 5 को बड़ा फैसला, क्या होगा? बिल्कुल, क्या होगा? ओपीएस ही सबसे ज्यादा चर्चा में। अच्छा राजेश, पहले शुरुआत हम ऐसे कर लेते हैं, मंत्रिमंडल की मीटिंग होने जा रही है परसों, दैट इज 5th of January को। जी राजेश, क्या क्या बड़े आपको लगता है कि जो एजेंडा में शामिल होंगे मंत्रिमंडल के? बिल्कुल, देखिए राजधानी शिमला में ये मंत्रिमंडल की बैठक होगी 5 जनवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में। अब इसमें जो बड़ी बातें होंगी, क्योंकि 6th Pay Commission को लेकर जिस तरह का चला हुआ था वो मसला सॉर्ट आउट हो गया है, वो अगले महीने से कर्मचारियों की अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। इसी महीने से शुरू हो गया, लागू हो गया। बिल्कुल, लेकिन इसमें जो बड़ी और जो अहम जो चीजें होने वाली है वो होने वाली है, क्योंकि देश की अगर हम हालात देखते हैं, देश की पिक्चर अगर देखते हैं, तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जो एक माहौल देश में बन रहा है, उसमें हिमाचल प्रदेश में आने वाले दौर में सरकार की रणनीति क्या होगी, वर्तमान परिदृश्य क्या है और हमें करना क्या है, इसको लेकर बड़ा अहम एक स्वास्थ्य विभाग की प्रेजेंटेशन इसमें सामने आएगी। आपका मतलब राजेश जी, कोरोना बड़े मसले आपके कहने के। बिल्कुल राजेश, मैं अपने दर्शकों से एक अपील करना चाहूंगा, दिव्य हिमाचल टीवी पे जो हमारा पेज है उस पे और दिव्य हिमाचल पेज पे जो भी है, हमने एक सर्वे कर रहे हैं। आपको बताया हम हर महीने हर हफ्ते संडे को एक सवाल पूछते हैं, दैट इज मंडे के एडिशन में हमारे अखबार में फ्रंट पेज पे ऊपर लगा होता है, उस पे हम लोगों की राय लेते हैं, सर्वे होता है वो। बिल्कुल, इस बार हमने पूछा है कि क्या हिमाचल में कोरोना बंदिशें लगनी चाहिए, हाँ या नहीं, या पता नहीं जवाब राजेश, उसमें धड़ाधड़ लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। हम सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आप भी अपनी राय वहां जरूर दें, और इसी बार ना दें, हर सोमवार को आप देखा करें हमारे न्यूज़पेपर पे भी और साथ में हमारी साइट्स पे भी या कहीं पे भी www.divyahimachal.com पे भी होता है, अपनी राय वहां जरूर दिया करें। राजेश आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की प्रेजेंटेशन होगी, 3 इसमें बिंदु अहम माने गए हैं जो कैबिनेट की मीटिंग में दिए जाएंगे। पहले मसला क्लियर कर देते हैं अग्निहोत्री जी, क्योंकि प्रदेश भर में एक हड़कंप मच गया है कि स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूल बंद नहीं होंगे, क्योंकि वर्तमान स्थिति का अवलोकन अगर हम करते हैं, वर्तमान स्थिति को देख लेते हैं, एक तो विंटर जो क्लोजिंग स्कूल है वहां छुट्टियां चली है 15%, दूसरे में भी समर क्लोजिंग में समर क्लोजिंग में 10 जनवरी से तक संडे तक कभी कभी संडे। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग जो प्रेजेंटेशन देगा, पहली देगा पब्लिक गैदरिंग पे कि हमने कंट्रोल किस तरह से करना है, एक चीज। दूसरा, जो दूसरी बड़ी सिंपल और बड़े अहम और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है मास्क पहनने को लेकर। राजेश बिल्कुल, कोरोना बंदिशों में जो है जरूरी करने जा रही है। और इसका तीसरा, जो तीसरी जो प्रेजेंटेशन होगी वो नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रेजेंटेशन। लेकिन हिमाचल के आंकड़े देखें, पॉजिटिविटी दर 2% है, देश के बाकी अगर बड़ी बात यह है कि ओमिक्रॉन का फिलहाल हिमाचल में कोई केस है नहीं, तो बड़ी राहत की बात है, स्कूल कम से कम बंद नहीं होंगे और हिमाचल सुखद हालात में फिलहाल। राजेश बिल्कुल सही है, आपने एक बड़ी पॉजिटिव तस्वीर पेश की है, लेकिन हमने आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में एक समाचार भी प्रकाशित किया, मामले हमने देखे, जो हम सैंपल ले रहे हैं उनकी संख्या घटी हुई अभी, बिल्कुल बिल्कुल, केस बढ़ भी रहे हैं। बिल्कुल, हम आंखें बंद करके ना बैठे, सोशल गैदरिंग में भी राजेश मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ पाबंदियां हैं, हो सकता है नाइट कर्फ्यू की तरफ सरकार सोचे। बिल्कुल, स्कूल की बात है कि बंद नहीं होंगे क्योंकि स्कूल ऑलरेडी बंद है। राजेश आगे चलते हैं, कर्मचारियों को भी तो उम्मीद है, कर्मचारियों को क्या है इसमें? एक तो यह है कि ओपीएस कमेटी का गठन, और दूसरा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपको वो सीनियरिटी का लाभ मिले, क्या कहेंगे आप इन दोनों? बिल्कुल, ओपीएस कमेटी के गठन की सरकार ने एक तरह से कह दिया था कि इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी थी कि ओपीएस की बहाली के लिए, पुरानी पेंशन की बहाली के लिए कमेटी बनेगी जो दोनों पक्षों का रिपोर्ट लेके अध्ययन करेगी। बड़ी बात यह है कि 1,00,000 कर्मचारी लगातार ये दबाव बना रहे हैं, ओपीएस जुड़े हुए कर्मचारी हर वर्किंग डे में प्रदर्शन करके एक तरह से सरकार को याद दिला रहे हैं कि हमारी मांग क्या है। पहली मांग उनका है कमेटी बनाइए, जो उसके फैसला होगा वो देख लिया जाएगा। नहीं, फैसला भी जल्दी करिए उसमें, ये दूसरा है डेट ऑफ जॉइनिंग से सीनियरिटी का लाभ देना, बहुत बड़ा इशू है। 70,000 के करीब कर्मचारी लगातार ये दबाव सरकार पे बना रहे हैं, लेकिन होगा क्या, क्योंकि मंत्रिमंडल की 5 को होने वाली बैठक में दोनों देखना पड़ेगा, दोनों में चर्चा होगी। राजेश, समय की पाबंदी पुलिस पे बैंड जी, हमने अपने दर्शकों को पहले ही खबर दी है, सहमति बन चुकी है ना जी, ये बड़ी बात है। तो क्या लगता है कि इसमें कुछ
कुछ छूट मिलेगी ना, इनको फायदा मिलेगा, क्या लगता है कल मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए देखिए, कल यानी कि मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के, कल मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के डीजीपी अपनी ये रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे, जिसमें संशोधन के लिए एक तरह से वकालत की जाएगी। टाइमिंग देखिए आप, 2015 से पहले और 2015 के बीच में जो विसंगति, 15 के बाद में जो विसंगति है, तो पुलिसकर्मी मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि अब इसमें बड़ी बात यह है कि सवा महीने बाद इनकी ये रिपोर्ट एक तरह से बन गई है। ये रिपोर्ट कल सरकार को सौंपी जाएगी, फैसला निश्चित तौर पे, चर्चा निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ करेंगे, जहां से रास्ता निकलने वाला है, पुलिसकर्मी मुस्कुरा सकते हैं। जी मुस्कुरा सकते हैं। और देखिए टाइमिंग ध्यान रखिए, 5 को मीटिंग है, 4 को दी जा रही है। बिल्कुल, और सैद्धांतिक रूप से तो मुख्यमंत्री पहले बोल चुके कि हम इसमें कुछ करेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी बहुत हजारों कर्मचारी हैं, हर बार उनको उम्मीद लगी रहती है, लगता है उनके बारे में कुछ कहा जाएगा? 35,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हिमाचल के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों में सेवाएं दे रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों की दिक्कत, अग्निहोत्री, दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत यह कि ये चाहते हैं कि पॉलिसी आज अभी इसी वक्त बन जाए। दूसरी दिक्कत यह है कि ये चाह रहे हैं कि इनको बिल्कुल नियमित करने के आदेश एकदम से पहुंच जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। 31 जनवरी तक सब कमेटी जो बनाई गई है वो रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। आपका जो इशू है बजट सेशन में, क्योंकि बजट उसके लिए एलोकेट होगा, उसके बाद ये तमाम इनकी प्रक्रिया शुरू होगी। तब तक इंतजार करने के सिवा और कोई चारा है नहीं। पंचायत पशु सहायक, देखिए इनकी फाइल जो थी वो डिपार्टमेंट से वित्त विभाग में गई थी, बहुत उम्मीद थी। मंत्री जो है वीरेंद्र कंवर साहब, उनके लिए तो बधाइयों का तांता लग चुका था। बिल्कुल, वो भी सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं कि मैं इनको पक्का करवाने जा रहा हूँ या इनका काम करवाने जा रहा हूँ। हुआ कुछ नहीं, ऑब्जेक्शन लगा है फाइनेंस डिपार्टमेंट से और वापस फाइल डिपार्टमेंट में आई। कल कुछ होगा क्या? बिल्कुल, देखिए अभी ये देखना होगा कि क्या ये मंत्रिमंडल के एजेंडे में चीज शामिल है कि नहीं है, बड़ी बात ये है। लेकिन मुद्दा बड़ा होनी चाहिए। बिल्कुल, मुद्दा बहुत है, बहुत बड़ा मुद्दा, 1,000 कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मसला है। बड़ी बात ये इसमें है कि ग्रामीण हिमाचल से जुड़ा मसला है। पशुपालन विभाग अपनी इस फाइल को लेकर मूव मंत्री के पास करेगा, जहां से इस पे चर्चा सैद्धांतिक रूप से होगी, शायद हो चुकी हो, क्योंकि 3-4 दिन तो ऑब्जेक्शन लगे होंगे। बिल्कुल, ऑब्जेक्शन लगे, 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया। ऑब्जेक्शन एक तरह से, क्योंकि जब ये पोस्ट क्रिएशन को लेकर ये मसला फंसा था इनका, पोस्ट क्रिएशन हुई नहीं थी जब इनके अपॉइंटमेंट कर दी गई थी। अब पोस्ट क्रिएशन को लेकर एक रास्ता निकाला जा रहा है, लेकिन अगर परसों मंत्रिमंडल की बैठक में चीज जाती है तो वहां से बहुत बड़ी राहत इन पंचायत सहायकों के लिए मिलने वाली है। इनका ये भी कहना था राजेश, 31 दिसंबर को इससे पहले बहुत खुश थे, तो ये तो खुशियां मनाने के शाम को ही खबर आ गई, हमने भी किया था कि ऑब्जेक्शन लग गया, तो नए साल की खुशियां, यहां पे कमेंट भी आए, हमारा रिएक्शन भी आए कि हम नए साल की कोई खुशी नहीं मना पाए और तो मनाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। कब होगा शायद मंत्रिमंडल इस पे कोई नोटिस लेगा। राजेश, कर्मचारियों के और किन वर्गों को फायदा चाहिए, जल्दी से जरा आप बताइए। जल्दी से बात करते हैं। बिजली बोर्ड के टीममेट हैं, पदोन्नति के लिए वो लगातार सरकार के ऊपर दबाव एक तरह से बना रहे हैं और मोबाइल जिस तरह की भत्ते की मांग कर रहे हैं सरकार से सीधे तौर पे। दूसरा पंचायत चौकीदार है, अग्निहोत्री जी, पंचायत चौकीदार भी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई पॉलिसी है ही नहीं, हम किस श्रेणी में आते हैं हमें पता नहीं है। पंप ऑपरेटर उस कैटेगरी में जो लगातार विभाग से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान कर रही है। आप देखिए सर्दियों में सुबह 4 बजे से पहले पानी छोड़ा जा रहा है, तो भूमिका उनकी बड़ी अहम है। कंप्यूटर शिक्षक प्रदेश भर के 2015 से पहले जो लगे हैं वो कंप्यूटर शिक्षक सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमारा पिंड कंपनी से छुड़ा के सरकार हमें अपने अधीन करिए, उनकी बहुत बड़ी एक जायज एक मांग है। इसके अलावा होमगार्ड्स की, क्योंकि पॉलिसी, क्योंकि इसमें संशोधन होगा और ये संशोधन बिना विधानसभा के सत्र के होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कैबिनेट तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि इनकी सैलरी या भत्ते फैसला ले सकती है। जो ये पॉलिसी चाह रहे हैं वो पॉलिसी जो होगी विधानसभा में सदन में होगी, जहां से ये पॉलिसी निकलेगी तो अभी उस पे नहीं, भत्तों पे कुछ हो सकता है क्योंकि बजट भी आने वाला है। जी जी, अच्छा राजेश बेरोजगारों की बात भी कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त जो परेशानी में है और सबसे ज्यादा उम्मीद जिनको है वो है जेई सिविल वाले लोग। बिल्कुल, वो इंजीनियर, युवा इंजीनियर हमारे जो तुरंत चाहते हैं कि उनके लिए जॉब एडवर्टाइज की जाए तुरंत से तुरंत, और वो भी सीधे सीधे कमीशन बेस पे, ना कि आप बैच वाइज वगैरह में जाइए, क्योंकि वो बोले हम फ्रेश आए हैं, हमें आप मौका दीजिए, हम सरकार को काम करके दिखाएंगे। फ्रेश ब्रिगेड है, यंग ब्लड है। राजेश क्या कहेंगे, इनका कितना जरूरी है मंत्रिमंडल में, अगर नहीं भी है तो ये शामिल होना इनके? बड़ी बात है कि सरकार जेई सिविल के 300 के करीब पद भरने जा रही है, तो तैयारी रखिए, ये होने वाला है। तो इसमें जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत 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 ज्यादा पद वहां खाली पड़े हुए हैं जो 2018 के बाद भरे नहीं गए। 2018 के बाद जेई सिविल के लिए सबसे बड़ी भर्ती आने वाले दिनों में आने वाली है।
तो बहुत महत्वपूर्ण महकमे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद है कि इसमें ही हो जाए, सरकार के एजेंडा में नहीं है, तो अनुरोध है हमारा पूरे, हमारे पास बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहे हैं, सरकार से अनुरोध है, और ये विभाग तो मुख्यमंत्री साहब के पास ही है खुद, तो अगर देख रहे हैं मुख्यमंत्री साहब या विभाग के और अधिकारीगण जो होते हैं, तो इनको प्लीज आप इनके बारे में कुछ सोचिए जरूर। लाइब्रेरियन आदेश, उनकी भी बड़ी मांग है, 1992 के बाद आपने बैच वाइज नियुक्तियां नहीं की है, उनकी भी मांग है, उनको बहुत उम्मीद है परसों से, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए लाइब्रेरी जो साइंस के स्टूडेंट है वो एक तरह से वो कह रहे हैं कि हमारे जो आप पद भर रहे हैं अभी तक जो भरे जा रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी सेवाएं आयोग के मार्फत भरे जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि इनके कोई भी पद 1992 से लेकर अगर 2022 तक की बात कर रहे हैं तो कोई भी पद बैच वाइज आधार पे भरा नहीं गया है, इसीलिए ये बेचैन है, लगातार सरकार के ऊपर दबाव एक तरह से बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों की बात कर लें तो स्कूलों में बहुत सारे पद खाली होने वाले हैं लाइब्रेरी। सरकार इलेक्शन ईयर में ध्यान रखिए।